स्वागत आप लोगों मेरे चैनल पर। मैं हूँ काजल दुनशी और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाली हूँ कि आप लोग अपने फोन से वीडियो को कैसे कर सकते हैं एडिट। जी हाँ, इस वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो एडिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दरअसल होता यूँ है कि हम लोग जब यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इन लोगों ने वीडियो को कैसे एडिट किया होगा, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे पास पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो हम लोग कैसे अपनी वीडियो को अच्छी क्वालिटी में एडिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 ऐसे बेस्ट ऐप्स बताने वाली हूँ जिसके यूज से आप लोग अपनी वीडियोस को बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे InShot वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप लोग जो हैं InShot जो इंस्टॉल कर सकते हैं वो प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा कि ऐसा आइकन दिख रहा होगा और इसके बगल में आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले इंस्टॉल करा हुआ है तो इस वजह से ये ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने InShot ऐप को ओपन करती हूँ, और जैसे हम इसको ओपन करते हैं उसके बाद में ये आपको वीडियो, फोटो और कॉलाज 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। अगर आपको वीडियो एडिट करनी है तो वीडियो के ऑप्शन पे जाइए, अगर आपको फोटो एडिट करनी है तो फोटो के ऑप्शन पे जाइए, और अगर आपको किसी फोटो का कॉलाज बनाना है तो आप कॉलाज के ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो की एडिटिंग करके दिखा रही हूँ, तो मैं वीडियो के ऑप्शन पर जाती हूँ, और यहाँ पर जितने परमिशन मिल रहे होंगे आप उसको अलाउ कर दीजिए। तो यहाँ पर अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट प्लस का साइन दिख रहा होगा न्यू, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, और क्लिक करते ही हम लोगों को यहाँ पर अपनी गैलरी के अंदर जो भी फोटोज हैं वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक वीडियो ले ली, ये वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को लेने के बाद यहाँ पर राइट के निशान पर क्लिक करते हैं, और तो यहाँ पर आप लोग अपनी गैलरी से कोई भी वीडियो जिसको आप एडिट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा कैनवास का, म्यूजिक का, स्टिकर का, टेक्स्ट का, फिल्टर का, प्री कट, स्प्लिट, डिलीट, बैकग्राउंड, स्पीड, क्रॉप, वॉल्यूम, डुप्लीकेट, रोटेट, फ्लिप और फ्रीज, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन मिलने पर अगर आप जिस भी वीडियो में एडिट करना चाहते हैं, और उसके अंदर अगर आप लोग म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा म्यूजिक के ऑप्शन पर। म्यूजिक के ऑप्शन पर जाने पर आप लोगों को कई तरह के म्यूजिक इसके अंदर जो अवेलेबल होंगे वो भी मिल जाएंगे, और अगर आपने पहले से डाउनलोड करे होंगे वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टिकर अगर आपको लगाना है तो स्टिकर पर जाकर के आप लोग स्टिकर कोई सा भी लगा सकते हैं, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट, अगर जैसे आपने कई वीडियो में देखा होगा जो टेक्स्ट है वो एनिमेशन वाले टेक्स्ट जो वीडियोस में आते रहते हैं, वो आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करके टेक्स्ट जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख लें, उसमें एनिमेशन लगा दें, तो यहाँ पर टेक्स्ट भी आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हमें फिल्टर हमें इफेक्ट है, फिल्टर एडजस्ट करना हो फिल्टर में कि कितनी ब्राइटनेस चाहिए, कितना क्या है, तो वो भी कर सकते हैं आप लोग। फिल्टर भी यहाँ पे आपको अलग अलग दिख जाएंगे, ब्राइट है, स्टोरी, नेचुरल, वार्म, यहाँ पे बहुत तरह के फिल्टर हैं। इफेक्ट भी आप लोग लगा सकते हैं, जैसे ग्लिच, नॉइस, टीवी, आरजीबी, कॉन्वेक्स, मतलब कि आप जिस हिस्से में जो इफेक्ट लगाना चाहते हैं वो इफेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे ऐप की तरफ, और दूसरा ऐप है वीटा ऐप। जी हाँ, अगर आपको बिल्कुल भी एडिटिंग के बारे में नहीं पता है, आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता है, तो आप लोग यूज कर सकते हैं वीटा ऐप। तो यहाँ पर आप जब वीटा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं और उसको ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर आपने कोई वीडियो पहले नहीं बनाई होगी तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा प्रोजेक्ट में, अगर आपने एक दो वीडियो बना रखी होगी तो प्रोजेक्ट में दिखेगा। और यहाँ लास्ट में जो 3 ऑप्शन है, प्रोजेक्ट का, एड का और टेम्पलेट का, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाना है एड के साइन पर, और वहां पर क्लिक करते ही आपको दिखेगी अपनी गैलरी, और वहां पर गैलरी में से आप जो वीडियो एडिट करना चाहते हैं उस वीडियो पर क्लिक करके उसको ले आइए एडिट करने के ऑप्शन में। और यहाँ पर आपको बहुत सारे साइन दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर पहला जो साइन है वो है कैंची का, रेशियो का, इफेक्ट का, टेक्स्ट का, म्यूजिक का, स्टिकर का, लगभग ये InShot ऐप से मिलता जुलता ही है। तो लगभग InShot और वीटा सेम ही है, लेकिन अगर आप, मैं यहाँ पर डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस आपको ये देखने के मिल जाएगा कि आप लोग InShot में कई तरह के इफेक्ट जो है नहीं यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा पेमेंट, पर यहाँ पर आप लोग वीटा में यहाँ पर कोई भी इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं, इजिली यूज कर सकते हैं, और ये मतलब आपको खाली इफेक्ट लगाना है और आपकी वीडियो जो होती है बिल्कुल रेडी हो जाती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वीटा भी एक अच्छा एडिटिंग ऐप है, आप लोग यूज कर सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियो के लिए। तो
गाइस नेक्स्ट चलते हैं हम लोग काइन मास्टर ऐप की तरफ। जी हाँ, काइन मास्टर ऐप जो है बहुत ही फेमस ऐप है। अगर आप लोग देखते होंगे वीडियोस टिकटॉक पे या फिर इंस्टाग्राम पर, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से ट्रांजिशन जो होते हैं वो उसमें लगे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कैचिंग होते हैं। तो वो कैसे, क्या चीज यूज करते हैं, वो किस ऐप से बनाते हैं, तो वो यूज करते हैं काइन मास्टर ऐप। जी हाँ, काइन मास्टर ऐप जो है एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है। तो इसके अंदर आपको कैसे करना है वीडियो एडिट, मैं आपको बताती हूँ। आप लोग अगर जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपको यहाँ पर दिखेगा ऐड का निशान, और आपको जाना है ऐड के निशान पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिख जाएंगे, 16:9 के, 9:60 का और 1:1 का। तो जब भी हम YouTube के लिए वीडियो जो है एडिट करते हैं, तो हमें 16:9 का रेशियो लेना होता है। हम लोग 16:9 का रेशियो ले लेते हैं, और यहाँ पर आपको देखने लग जाएगी अपनी गैलरी, और यहाँ पर आप लोग अपनी गैलरी में से जो फोटोज चाहे, जो वीडियोज चाहे, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो सिलेक्ट कर लिया है। आप लोग बीच में ही इसके जो भी ट्रांजिशन वगैरह है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कट का निशान लगा दिया, और यहाँ पर हम लोग ट्रांजिशन, जैसे ही आप ये ब्लैंक वाला जो हिस्सा है इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको कई तरह का ट्रांजिशन इफेक्ट दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इस स्पेशली ऐप के बारे में डीपली जानना है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं मेरी लास्ट वीडियो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये जरूर बताया है कि आप लोग काइन मास्टर से कैसे वीडियो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फोर्थ ऐप जो है वो बहुत ही बेहतरीन ऐप है और बहुत ही यूजफुल ऐप है, जो मैं खुद की वीडियो बनाने के लिए भी यूज करती हूँ। जी हाँ, इस ऐप का नाम है प्रिक्वल ऐप। ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, आप लोगों को दिख जाएगा, आप लोग जाकर वहां से इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर ऐड का साइन दिखेगा। यहाँ पर ऐड का साइन पर क्लिक करिए, आपको दिख जाएगी आपकी गैलरी, और गैलरी पर जाकर के आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी वीडियो। सबसे खास बात इस ऐप की ये है कि आप लोग जो भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं, उस इफेक्ट की आप लोग ब्राइटनेस को लो या फिर हाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप चाहें तो इसमें जो भी कलर है, अपना खुद का इफेक्ट भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए ये ऐप जो है मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर आप लोगों को करना है वीडियो सिलेक्ट। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिल्टर्स दिख भी रहे होंगे कई तरह के, और राइट हैंड साइड पर सारे के सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो ये ऐप भी बहुत ही बेहतरीन ऐप है। अगर आप लोग एक अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आप इन चारों ऐप में से कोई भी ऐप यूज करके अपनी वीडियो को एडिट कीजिए। गारंटी है कि आप लोग ही बन सकते हैं एक बेस्ट यूट्यूबर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि मैंने इस वीडियो में कैसे आप लोगों को टॉप 4 बेस्ट एडिटिंग ऐप्स बताए हैं, और आप लोग इन टॉप 4 बेस्ट एडिटिंग ऐप्स को यूज करके बन सकते हैं एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर, और कर सकते हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट। जी हाँ, तो अगर आप लोगों को इस किसी भी ऐप से कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और मैं आपको दूंगी उस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपको लाइक करने से मिलता है मुझे मोटिवेशन, और मैं करती हूँ ऐसी ऐसी वीडियो पर वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।